जय हिंद जय राजधानी हेलो बडीज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राजधानी साइंस धारा यस्टरडे वी हैड टेकन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द बुक रेनबो ऑफ लॉस स्प्रिंग एंड वी हैड कंप्लीटेड दैट इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी द राइटर अनी जंग इज़ टॉकिंग अबाउट द स्मॉल चिल्ड्रन हु वर्क रैक पिकिंग एंड दे ट्राई टू अर्न देयर लाइवलीहुड दे आर टोटली डिवाइड ऑफ द फैसिलिटीज दैट ऑल द जनरल चिल्ड्रन हैव इन सोसाइटी तो अनी जंग बात करते हैं इस कहानी में ऐसे बच्चों की जो काम करते हैं और इनके पास वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो बाकी बच्चों के पास होती है और ये स्कूल भी नहीं जा पाते हैं सो वी हैड कम्प्लीटिट द फर्स्ट पार्ट नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट एंड द टाइटल ऑफ दिस सेकेंड पार्ट इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एंड इन दिस द मेन कैरेक्टर इज़ मुकेश वेर एज इन द प्रीवियस स्टोरी द मेन करेक्टर वॉज साहिब आलम पहली कहानी का मुख्य पात्र तो साहेब आलम था लेकिन अब इस दूसरी कहानी में मुख्य पात्र है उसका नाम मुकेश है द कंडीशन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ बोथ ऑफ़ दीज इन दोनों बच्चों की हालात बिल्कुल एक जैसे हैं काफ़ी हद तक दोनों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है दोनों ही गरीब घर से आते हैं और लेकिन कुछ अंतर बताए गए हैं कि मुकेश में और साहेब में क्या अंतर हैं आपको वो भी देखना पड़ेगा और साथ में ये भी बताया गया है कि मुकेश के और इस जैसे और बच्चे हैं उनके क्या हालात हैं इनके माँ बाप के क्या हाल हैं ये कहाँ रहते हैं कैसे माहौल में रहते हैं तो काफ़ी कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी दोनों में एक समानता दिखेगी लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क है वो उनके एटीट्यूड में है उनके अप्रोच में है लाइफ के प्रति उस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा सो यह वी गो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार मैं एक कार चलाना चाहता हूँ मुकेश इंसिस ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर तो मुकेश इस बात पर जोर देता है इंसिस का मतलब है जोर देना तो मुकेश इंसिस ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर तो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है यानी कि अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस तो वो कहता है कि मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स आई आस्क तो अनीस जंग उससे पूछती है कि कार्स के बारे में आपको कुछ पता है आई will लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स तो उसका उत्तर आता है बड़ा सहज उत्तर है कि मैं सीख लूँगा कार चलाना नाव यू सी दिस बॉय मुकेश ही इज़ मेकिंग प्लान्स ऑफ लर्निंग टू ड्राइव अ कार ही wants टू बी a मोटर मैकेनिक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है कार सीखना चाहता है चलाना और ये कहते हैं मैं सीख लूँगा जबकि साहिब आलम को अगर आपने देखा था उसे मौका मिला था दूसरा काम करने का टी स्टॉल पर उसको आठ सौ रुपये मिल रहे थे और साथ में उसको तीन टाइम का खाना भी मिल रहा था लेकिन वह उस काम से खुश नहीं था तो उसके पास मौका था मौका मिला लेकिन वह उससे खुश नहीं था अब इसके पास मौका नहीं है लेकिन ये कहता है कि मैं मौका खुद अपने हिसाब से बना लूँगा सो दिस इज़ द डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ बोथ द बॉयज़ दोनों लड़कों में अप्रोच जो है जो एटीट्यूड है उसका फ़र्क है कि एक वेल well डिटरमाइंड है यानी कि उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि भले ही उसे कार नहीं आती वो कार चलाना सीख लेगा और एक दिन वो मोटर मैकेनिक बनेगा सो आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज और ये बात वो सीधे आँखों में आँखें डाल करके यानी जंग की आँखों में आँखें डाल करके कहता है फ्रॉम दिस लाइन वी कम टू नो दैट ही इज़ कॉन्फिडेंट इस बात से पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट है आमतौर पर जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं वो आँखें चुराते हैं His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद उसका जो ड्रीम है सपना है वो एक मिराज की तरह बताया गया है मिराज अगर आपको पता हो तो ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है ये एक भ्रम है भ्रम की स्थिति होती है जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि आगे पानी है जब धूप चमकती है रेत पर और हम काफ़ी दूर निगाहें डालते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पानी है लेकिन वो पानी नहीं होता मृग तृष्णा भी कहते हैं इसे हिंदी में तो मृग तृष्णा की तरह है उसका जो ड्रीम है अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स जो स्ट्रीट्स हैं गलियां हैं उनमें जो धूल उड़ती है उनके बीच में ये एक मिराज जैसा है इसका ख्वाब दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद और ये धूल जो है पूरे फ़िरोज़ाबाद टाउन में फैली हुई है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स सो वाई फिरोज़ाबाद फेमस इट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स देर आर सेवरल बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ इन फ़िरोजाबाद तो इसके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फ़िरोज़ाबाद के बारे में आप बताइए तो आपको बताना पड़ेगा कि वो फेमस क्यों है इट इज़ फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स देर आर सेवरल बेंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ और बाकी और भी चीज़ें जो जिक्र आएगा आगे फिर Firo, फ़िरोजाबाद के संबंध में वो भी आपको बताना पड़ेगा एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोजाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स हर दूसरा परिवार जो फ़िरोज़ाबाद में रहता है वह बैंगल मेकिंग में यानी चूड़ियाँ बनाने में संलग्न है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं यानी कि हर दूसरा परिवार इन्वॉल्व है इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वह फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसिस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वमेन इन द लैंड इट सीम्स और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक सेंटर का काम करता है एक केंद्र का, का काम करता है भारत में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का जहाँ पर ग्लास रिलेटेड काम होते हैं वहाँ पर ये सेंटर है ये भारत में एक मुख्य केंद्र है जहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वर्क कर चुकी हैं, या कर रही हैं यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ग्लास फैक्ट्री में ही काम किया जाता है लोगों के द्वारा लगभग हर दूसरा परिवार इन्वॉल्व है इस तरीके के काम में और उनके काम में उन्हें फर्नेसिस के पास बैठना पड़ता है यानी कि भट्टियों के पास भट्टियों के पास बैठना पड़ता है ग्लास को वेल्ड करना पड़ता है यानी जोड़ना पड़ता है अब बैंगल सर्कुलर होती है राउंड होती है तो उसका एक जोड़ जो होता है उसको चिपकाना पड़ता है तो उसकी वेल्डिंग होती है ग्लास वेल्डिंग भी होती है और इस तरीके से वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं सभी औरतों के लिए जो भारत में रहती हैं मुकेशिज फैमिली इज अमंग अमंगम उन्हीं में से एक परिवार मुकेश का परिवार भी है नन ऑफ दैम नोज दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हेम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि ये एक इलीगल काम है कि बच्चे वहाँ पर काम करें अगर आपको भी पता हो तो फैक्ट्री एरिया में 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना वर्जित है मना है तो इनको किन्हीं इनमें से किसी परिवार को या किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि बच्चों का काम करना इलीगल है गैरकानूनी है और अब ये जो लाइन आगे है जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे माहौल में काम करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोट इट इस लाइन को आप अंडरलाइन कर देना आपको बताना पड़ सकता है कि ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन विच कंडीशंस डी चिल्ड्रन वर्क इन फिरोजाबाद फिरोज़ाबाद में किस माहौल में ये लोग काम करते हैं चाहे बच्चे हों चाहे बड़े ये कैसे काम करते हैं कैसे माहौल में तब आपको बताना पड़ेगा वर्क इन ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स तो जाहिर बात है जहाँ पर भट्टियाँ होंगी वहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो हाई टेम्परेचर में ये काम करते हैं ऊंचा तापमान होता है इन डिंगी सेल्स डिंगी का मतलब है बदबूदार बदबूदार कमरे होते हैं विदाउट एयर एंड लाइट सो विदाउट एयर एंड लाइट मीन्स इट डजेंट है प्रॉपर वेंटिलेशन वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर रोशनी का इंतजाम सही नहीं है और हवा पास नहीं होती है दैट द लॉ इफ एंड फोर्स कूड गेट हिम एंड ऑल दो ट्वेंटी थाउजेंड चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसिस वेर दे स्लॉक दैट डे लाइट आवर्स तो अगर इनको कानून की जानकारी हो और कोई एनफोर्स करे उसको लागू करे अगर यानी कि सख्ती से अगर कानून को एनफोर्स किया जाए एनफोर्स यानी लागू किया जाए तो क्या होगा मुकेश जैसे बीस हज़ार और बच्चों को वहाँ से उन भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है जहाँ पर वो अपने दिन के उजाले के जो समय है जो घंटे है वो वहीं पर वो बिता देते हैं बेकार कर देते हैं स्लॉक का मतलब होता है बर्बाद कर देना तो ये लोग अपने कई घंटे वहीं पर बर्बाद कर देते हैं अब बच्चों के एंगल से बर्बादी ही है उनके बचपन की उनके बचपन की बर्बादी है उनकी एजुकेशन की बर्बादी है तो आप ताजुब करोगे बीस हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो गर्म भट्टियों में काम करते हैं और दिन के उजाला उनका नसीब तक नहीं होता उस दौरान उन्हीं फैक्ट्रियों में मौजूद रहते हैं और काम करते हैं ऑफ़न लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दे आइज़ ऑफ़न यानी अक्सर कई बार तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी ब्राइटनेस तक खो देते हैं आइज़ की यानी कि आँखों की चमक तक उनकी गायब हो जाती है यानी कि उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है सो लूजिंग प्लीज़ नोट द स्पेलिंग इट इज़ विथ सिंगल ओ एल ओ एस आई एन जी सिंगल ओ के साथ लूजिंग का मतलब होता है खो देना जबकि एल डबल ओ ऐसी लूज़ का मतलब ढीला होता है अगर डबल ओ लगा देते हैं एल डबल ओ एस ई तो उसका मतलब ढीला होता है सो रिमेंबर द स्पेलिंग इट शुड बी विद सिंगल ओ सो लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द आईज मुकेशिज आइज भीम भीम का मतलब होता है चमकना मुकेशिज आइज भीम एज ही वॉलुंटियर्स टू टेक मी होम वॉल्टियर्स का अर्थ है अपनी इच्छा से सो द वर्ड वॉल्टियर्स यानी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कोई आदमी काम करता है उसे वॉल्टियर कहते हैं किसी और के कहने से अगर आप काम करोगे तो आप वॉलेंटियर नहीं कहलाओगे सो दिस वर्ड वॉलेंटियर्स यानी कि अपनी इच्छा जाहिर करता है अपनी इच्छा से इसे घर ले जाता है किसे इस ऑथर को अनीस जंग को तो अनीस जंग को वो ऑफर करता है अपने घर चलने के लिए विच ही प्राउडली सेज़ इज़ बीग रीबिल्ड और बड़ा गर्व के साथ वह कहता है कि उसे वापस बनाया जा रहा है तो रेनोवेशन का काम चल रहा है इसके घर पर घर को फिर से बनाया जा रहा है और इस वजह से इसको बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है गर्व महसूस हो रहा है और अनीस जंग को ये कहता है आप मेरे साथ मेरे घर चलें वी डॉक वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस लेंस यानी गलियाँ स्टिंकिंग यानी बदबूदार सो so, स्टिंकिंग लेंस बदबूदार गलियाँ सो so, ये किस रास्ते से जाते हैं स्टिंकिंग लेंस बदबूदार गलियों से होते हुए जाते हैं चौक विद गारबेज और ये गारबेज से भरी पड़ी हैं चौक यानी बंद हो चुकी हैं यानी गलियाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं वो भी लगभग बंद सी हो गई है क्योंकि उसमें कचरों कचरे का ढेर पड़ा हुआ है पास होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स और ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जो लगभग नष्ट से हो गए हैं और इनकी दीवारें टूटने जैसी हो रही हैं क्रम्बलिंग वॉल्स तो टूटी हुई दीवारें वॉब्ली डोर्स वॉब्ली का मतलब भी ऐसे डोर्स यानी कि जो टाइट नहीं है ढीले हैं ढीले ढाले डोर्स जो खड़खड़ फड़फड़ करते रहते हैं नो विंडोज़ क्राउडिड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमस अब इनके घरों में खिड़कियाँ तक नहीं है जाहिर बात है घर ही इतने छोटे हैं उसमें दरवाज़ा लगाएँ कि खिड़कियाँ लगाएँ तो खिड़कियाँ तक नहीं है यानी कि घरों में भी वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रमेवल स्टेट को एग्जिस्टिंग यानी एक साथ बने रहना एक साथ निवास करना एक साथ रहना तो यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि लगभग इंसान और जानवर सब इकट्ठे रहते हैं और प्रीमेवल स्टेट प्रीमेवल कहते हैं बहुत पुराने समय को जिसको पाषाण युग आप कह सकते हो तो आप पाषाण युग में जैसे इंसान और जानवर इकट्ठे जंगल में रहा करते थे उस समय घर नहीं बने हुए थे अगर हम वैसे ही पुराने समय में चले जाएं तो वैसा ही एग्जिस्टेंस यहाँ पर दिखता है जानवर और इंसान साथ साथ रहते हैं स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस तो ऐसे ही किसी एक घर के सामने वह रुक जाता है ए वॉब्ली आयन डोर और एक दरवाजे को वो बैंग करता है यानी बजाता है खटखटाता है विथ इस फुट बल्कि अपने फुट से अपने पैर से लात मार के खोलता है एंड पुशिज इट ओपन उसे खोल देता है वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ट विद डेड ग्रास इज़ ए फायर वुड स्टो ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स तो ये हाफ बिल्ट शेक यानी आधा बना हुआ घर आधी बनी हुई झोपड़ी में एक तरीके से या घर बोल सकते हो घर में एंट्री करता है ये और साथ में अनिजंग भी आती है और उसके एक हिस्से में क्या है थेस्ट विथ डेड ग्रास वो सूखी घास से एक तरफ दीवार के पास लगाई हुई है और उसके पास में क्या है इज ए फायरवुड स्टोव वहाँ पर फायरवुड स्टोव है ओवर विच सेट्स ए लार्ज वेसल फायरवुड स्टोव यानी सिगड़ी बोल सकते हो आप तो एक सिगड़ी है जिसमें कि ये लकड़ी जला करके या कोयले जला करके खाना पकाते हैं तो उस पर क्या रखा हुआ है लार्ज वेसल बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है ऑफ सिजलिंग लीव्स स्पाइनेक बोलते हैं पालक को तो पालक के पत्ते चढ़ाए हुए हैं पालक की कोई सब्जी पकाई जा रही है ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स तो एल्युमिनियम की प्लेट है उनमें कुछ वेजिटेबल्स कुछ सब्जियां और चॉप करके यानी कि काट के रखी गई हैं फ्रेल यंग वुमेन फ्रेल फ्रेल का अर्थ होता है कमजोर वीक सो ए फ्रेल यंग वुमेन फ्रेल का अर्थ है कमजोर यर इज द वर्ड एफ आर ए आई एल फ्रेल तो एक पतली दुबली कमजोर जवान औरत क्या कर रही हो इस कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली वो पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है थ्रू आइस फील्ड विद शी स्माइल्स अब हालात देखो इतने बुरे हैं आंखों में आंसू है लगभग ये मान लो क्योंकि स्मोक का जिक्र है यहाँ पे आंखों में धुआं है और धुआँ होने के बावजूद वह मुस्कुरा रही है शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश इज़ एल्डर ब्रदर वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है यानी कि मुकेश की भाभी है नॉट मच ओल्ड इन ईयर्स उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है अगर उम्र के आ, सालों के हिसाब से देखें तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू और वह बहू के तौर पे इज्जत प्राप्त करती है घर में उसे इज्जत प्राप्त है बहू के रूप में द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी चार्ज ऑफ थ्री मैन तो तीन लोगों का उस पर भार है वो तीन लोगों को उसको देख रेख करनी है उसमें कौन कौन शामिल है हस्बैंड मुकेश एंड द फादर तो वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड का ख्याल कर रही है बट बल्कि अपने हस्बैंड के छोटे भाई मुकेश यानी अपने देवर का भी ख्याल रख रही है और उन दोनों के पिताजी यानी कि अपने ससुर का भी ख्याल रख रही है तो इतनी कम उम्र में उसके ऊपर तीन लोगों का भार है तीन लोगों की जिम्मेदारियां हैं वैन द ओल्डर मैन एंटर्स अब ओल्डर मैन कौन है ससुर जी हैं सो वैन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली वैन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विद बिहाइंड द ब्रोकन वॉल तो जैसे ही वह बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है यानी कि ससुर जब अंदर आता है तो ये टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस वेल वी ई आई एल वेल घूंघट के लिए कहते हैं तो वो घूंघट लेती है ब्रिंग्स वेल क्लोजर टू हर फेस एज कस्टम डिमांड्स और ये कस्टम का आता है रीति रिवाज और यही हमारे कस्टम की हमारे रीति रिवाज की डिमांड भी है मांग डिमांड यानी मांग मांग भी है डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर मेल एल्डर्स जो बहुएँ हैं उनको मर्द के आगे जो घर में बड़े मर्द हैं उम्र में बड़े हैं उनके आगे घूंघट लेना पड़ता है इन दिस केयर द एल्डर इज पावरिस्ट जस्ट अ सेकेंड यस इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ट बैंगल मेकर और इस केस में यहाँ पर जो बड़ा व्यक्ति है इम्पावरिस्ड यानी कमजोर है और कौन है बैंगल मेकर तो ससुर जी है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर डिस्पाइट का मतलब बावजूद बावजूद ये कि उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत करी है लेबर यानी मेहनत फर्स्ट एज ए टीलर अब देखो उन्होंने अलग अलग प्रकार के काम किए हैं अपने जीवन में उसके ससुर ने फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बेंगल मेकर ही हैज़ फेल टू रेनोवेट ए हाउस तो इतने लंबे समय तक लगभग पूरा जीवन निकल गया उन्होंने टेलर के तौर पे भी काम किया है और चूड़ियाँ बनाने वाले के तौर पे भी काम किया है लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई अपने घर को रेनोवेट करने की यानी उसका पुनर्निर्माण करने की सेंड हिज टू सन्स टू और साथ में ही अपने दोनों बच्चों को भेज भी नहीं पाए हैं कहाँ की बात हो रही है स्कूल तो वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाए हैं पूरे जीवन काम करके भी तो ना तो घर का रेनोवेशन हो पाया है ना ही स्कूल भेज पाए हैं वी आर रीडिंग हियर ओके ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू टीच दैम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स उनको सिर्फ वह एक ही बात सिखा पाया है और वो एक बात क्या है कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं तो चूड़ियाँ बनाने की कला ये ही वो सिखा पाया है नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू रीड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देर कैन बी क्वेश्चन इन द एग्जाम एज वेल ऑन दिस पर्टिकुलर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ दैट वॉट आर द रीजन्स दैट दे आर नॉट एबल टू टेक दमसेल्स आउट ऑफ दिस तो इस स्थिति से ये लोग अपने आप को बाहर क्यों नहीं खींच पाते हैं क्यों क्यों नहीं निकाल पाते हैं उसका कारण पूछा जा सकता है कि ये लोग हमेशा बैंगल मेकिंग का ही काम क्यों करते हैं कोई नया काम क्यों नहीं ढूंढ लेते कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते तो उसमें से कुछ बातें आपको इसमें से पैराग्राफ में मिलेंगी और आगे आने वाले पैराग्राफ्स में भी मिलेंगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दिस लाइन इट इज़ हिज़ कर्म हिज डेस्टिनी सेज़ मुकेश इज ग्रैंड मदर तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुकेश की ग्रैंड मदर ने जो कहा था तो मुकेश की दादी वो कहती हैं कि यह हमारा कर्म है हमारा भाग्य है डेस्टिनी का मतलब है भाग्य तो ये इसको अपना भाग्य मानते हैं अपना कर्म मानते हैं और इस वजह से ये कोई और काम सीखते नहीं है कि हमारा यही कर्म है और यही भाग्य है इस वजह से ये कुछ और काम नहीं सीखते हैं सेस मुकेशिज ग्रैंड मदर हु हुज वॉच ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स और उसने अपने हस्बैंड को देखा है खुद ने देखा है कि वो अंधे हो गए थे तो ऐसे दिन भी देखे हैं उन्होंने जब वह उसका हस्बैंड जो है अंधा हो गया था यानी कि मुकेश के दादा अंधे हो गए थे किससे द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द क्लास ऑफ बैंगल्स तो चूड़ियों को जब पॉलिश किया जाता है तो उससे एक डस्ट उड़ती है मिट्टी उड़ती है घिसाई के वजह से वो उसकी आँखों में जाने के वजह से लगातार जाने की वजह से कई सालों तक वे अंधे हो गए थे कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन ये लाइन और इम्पॉर्टेंट है पहली लाइन के तरह ही क्या भगवान ने जो लकीर खींच दी उसको मिटाया जा सकता है तो वो ये मानते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य ही ऐसा बना दिया ये लकीर ऐसी खींच दी है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते उसको मिटा नहीं सकते शी इम्प्लाइज़ इम्प्लाइज़ का मतलब वो अर्थ समझाती है इसका सो so इम्प्लाइज़ का मतलब है टू क्लियर द मीनिंग वो मीनिंग क्लियर करते हुए कहती है कि भगवान ने लकीर ऐसी खींच दी है कि हम उसको नहीं मिटा सकते बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स तो चूंकि वो उनकी पैदाइश ही ऐसे परिवार में हुई है जिनका काम ही बैंगल बनाने का था चूड़ियाँ बनाने का था तो उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा इन द हाउस इन यार्ड चाहे घर की बात हो या घर के पीछे की बात हो पिछवाड़े में उन्होंने इनके चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा

समथिंग दैट इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ जिसका ध्यान नहीं रखा जाए किसी जगह को उसको अनकैम्प्ड कहते हैं तो हर घर में हर दूसरे घर में या हर दूसरे घर के पिछवाड़े में या फिर हर शहर हर गली में शहर की हर गली में फिरोज़ाबाद की आपको स्पाइरल ऑफ बैंगल्स मिल जाएंगे यानी कि स्पाइरल यानी सर्कुलर आप स्पाइरल जानते हो सर्कुलर फॉर्म होती है तो सर्कुलर फॉर्म में बैंगल्स आपको दिख जाएंगी वहाँ पे और अलग अलग कलर की दिख जाएंगी चाहे सनी गोल्ड हो चाहे पैडी ग्रीन हो ये कलर्स बताए हुए हैं रॉयल ब्लू पिंक पर्पल या फिर सभी वो कलर जो सात कलर्स के मिश्रण से बन सकते हैं हम भी जानते हैं बेसिक कलर्स सात ही होते हैं उन सात कलर्स को मिक्स किया जाए तो और कलर्स बनाए जा सकते हैं तो उन सात कलर्स जिसको कि रेनबो कहा है यहाँ पर उन सात कलर्स से जो भी अलग कलर तैयार होता है उन सब कलर्स की भी चूड़ियों का ढेर वहाँ पर यार्ड्स में यानी ऐसे यार्ड्स में मिल जाएगा जहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया हो और वो किस तरीके से रखी हैं आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स और ये पाइल्ड का मतलब भी ढेर होता है पी आई एल ई डी और ढेर में कहाँ मिल जाएगी ये फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स हाथ गाड़ी पर भी मिल जाएगी चार पहियों वाली हाथ गाड़ी पर भी आपको चूड़ियाँ दिख जाएंगी चूड़ियों का ढेर दिख जाएगा पुस्ट बायमैन अलॉन्ग नैरो लेंस ऑफ द शेंटी टाउन और जवान आदमी उसको धक धकेलते हुए दिख जाएंगे पतली पतली गलियों से उस टाउन के तो उस छोटे से पुराने से टाउन में आपको ये जगह जगह ऐसा नज़ारा मिल जाएगा इन डार्क हटमेंट्स और डार्क हटमेंट्स हटमेंट्स यानी झोंपड़ियाँ तो ऐसी झोपड़ियाँ जिनमें रोशनी नहीं है ऐसी डार्क झोपड़ियाँ जो हैं उनमें भी क्या होगा नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ तो ऐसे घरों में भी छोटे छोटे घरों में जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर फ्लेम्स के पास यानी आग के पास बैठे हुए कौन दिख जाएंगे बॉयज़ और ये कैसे आग के पास बैठते हैं फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स तो चूँकि रोशनी नहीं है वहाँ पे तो ये ऑयल लैम्प्स जलाते हैं तेल से जलने वाले लैम्प्स तो तेल होता है लालटेन फॉर एग्जाम्पल तो लालटेन जलाए हुए ये बैठे रहते हैं और काम करते हैं कौन बॉयज़ एंड गर्ल्स विद फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स तो ये अपने माता पिता के साथ बैठ कर के घर में भी काम कर रहे होते हैं और इनका काम होता है वेल्डिंग का जोड़ते हैं ये और जोड़ करके बैंगल को सर्कल पूरा सर्कल प्रदान करते हैं द आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड अब इनकी आदत घर में रह रहे के ऐसी हो जाती है कि इनकी आंखें डार्क से एडजस्ट हो जाती हैं जैसे आप देखो कभी आप अंधेरे में काफ़ी समय तक रहे हो अंधेरे कमरे में और आप एकदम से बाहर निकलोगे तो आपको रोशनी चुभेगी आँखों में तो इनकी आइज़ जो हैं वो एडजस्ट होगी उस डार्कनेस से उस अंधेरे से इतनी ज़्यादा एडजस्ट हो गई है कि वो बाहर की लाइट उनको अच्छी नहीं लगती लाइट में आकर के वो कम्फर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं दिस इज़ वाई दे ऑफ़न एंड अप लूजिंग दे आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि ये जवान होने से पहले ही अपनी आईसाइट खो देते हैं तो ये इतनी इनकी बुरी स्थिति है आप देख सकते हो कैसे माहौल में काम करते हैं हाई टेम्परेचर वाले डेंगी सेल्स हैं तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा हॉट फर्नेसिस में काम करते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है बदबदार कमरे हैं एयर और लाइट के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और ये अंधेरे से इनकी आंखें इतनी एडजस्ट हो चुकी होती हैं कि इनको लाइट की आदत नहीं रहती और जो घिसाई से जो धूल उड़ती है आंखों में जाती है इन सब वजहों से इनकी आंखों की रोशनी जवान होने से पहले कईयों की चली जाती है यानी कि आंखें वीक हो जाती हैं और उसके बावजूद देखो ये अपना घर तक नहीं बना पाते इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ सविता ए यंग गर्ल

टोंग्स बोलते हैं अब जैसे आपने टाइप राइटर देखा होगा टाइप राइटर में पुराने जमाने का जो टाइप राइटर है आपने देखा हो तो उसमें टोंग्स होते हैं जो पढ़ते हैं ऐसे हिलते हैं और पढ़ते हैं और अक्षर छपता है तो उसको टोंग्स कहते हैं तो मैकेनिकल तो चीज़ें जो होती हैं जो रिपीटेडली सेम वर्क करती है उसको टोंग्स कहा जाता है तो इसके हाथ भी उन टोंग्स की तरह फटाफट मशीन की तरह चलते रहते हैं अब इनको हाथ इसके हाथ बहुत आदि हो गए हैं कई सालों से काम कर रही है तो मशीन की तरह आज चल रहे हैं आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंकटिटी ऑफ द बैंगल्स सेंकटिटी एस ए एन सी टी आई टी वाई द वर्ड सेंकटिटी मीन्स प्योरिटी पवित्रता सेंटिटी का अर्थ है प्योरिटी या पवित्रता सो आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंकटिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक वो बैंगल्स बनाने के लिए चूड़िया बनाने के लिए जो मदद कर रही है तो इसको अनीस जंग को ताजुब होता है ये सोच रही है अपने मनी मन में कि क्या इसको इसकी पवित्रता के बारे में पता भी है कि चूड़ियाँ कितनी पवित्र होती है इट्स सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग क्यों सेंटिटी का मतलब है प्योरिटी पी यू आर आई टी वाई प्योरिटी यानी पवित्रता ओके एज हैंड इट्स सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेंस सुहाग ये एक भारतीय औरत के सुहा की निशानी मानी जाती है ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज ऑस्पिशियसनेस का अर्थ होता है शुभ और ये शादी में शुभ माना जाता है इसको चूड़ियों को इट विल ड्रॉ ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हजब इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल ओ सॉरी वेन हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल हर हैंड्स डाइड विद रेड विथ हैना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्क तो डॉन ऑन डी ए डब्ल्यू एंड डॉन ऑन डॉन का मतलब वैसे सवेरा होता है लेकिन यहाँ पर दूसरा है डॉन ऑन हर यानी कि उसे समझ में आएगा शी विल कम टू नो डॉन ऑन हर मीन्स कम टू नो सो सडनली वनडे शी विल रियलाइज इट उसे एकदम से एहसास होगा एक दिन के इसकी पवित्रता क्या है और ये कब एहसास होगा जब वह एक दिन घूंघट में होगी और दुल्हन के भेष में होगी और शादी होने वाली होगी और उसने चूड़ियाँ पहन रखी होगी अपने हाथों में तब जाकर के उसे एहसास होगा कि इसकी पवित्रता क्या है विल देन बिकम ए ब्राइड फिर वह एक ब्राइड बन जाएगी दुल्हन बन जाएगी डॉन ऑन हर मीन्स विल कम टू नो उसे पता चल जाएगा तो शिवल दैन बिकम ए ब्राइड वो एक दुल्हन बन जाएगी उस दिन लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर जैसे कि उसके पास बैठी हुई औरत दुल्हन है बनी थी कभी वैसे ही वो भी दुल्हन बन जाएगी एक दिन शिवल दैन बिकम ए ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो शी स्टिलज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट और उसके हाथों पर जो बूढ़ी औरत उसके पास बैठी उसके हाथों पर कलाइयों में अभी भी वो चूड़ियाँ हैं बट नो लाइट इन हर आइज लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं है तो ये एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया बताया गया है कि उनका जीवन कैसा है चूड़ियाँ तो रहती हैं कलाई में लेकिन आँखों की रोशनी चली जाती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया दिस यू कैन कोट इन योर एग्ज़ाम इफ़ यू वॉन्ट एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया शीशे इन ए वॉयस ड्रेंड ऑफ जॉय ड्रेंड का मतलब है कमी होना ड्रेंड का अर्थ होता है बह जाना तो बह जाएगी कोई चीज़ तो उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो ड्रेंड ऑफ़ जॉय यानी कि खुशी की कमी और वो खुशी की कमी है उनके जीवन में और ऐसी आवाज़ में भारी आवाज़ में वो कहती है कि हमको एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिलता है शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन में उन्होंने एक वक्त भी खाना पेट भर के नहीं खाया है दैट्स वॉट शी एस रीप्ड रीप्ड का मतलब है आर ई ए पी ई डी रीप्ड हम फसल काटते हैं उसको रीप्ड कहते हैं यानी कि प्राप्ति रिजल्ट रिजल्ट के सेंस में कहा गया है तो परिणाम में उनको सिर्फ यही मिला है क्या मिला है भूखे रहना और आँखों की रोशनी खो जाना हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज अब उसका जो हस्बैंड है उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड उसकी दाढ़ी बह रही है हवा के साथ यानी उड़ रही है इतनी लंबी दाढ़ी है और वो कहता है क्या कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय तो कहता है मुझे चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं आता एक्सेप्ट की स्पेलिंग ध्यान से नोट कर लेना इट इज़ ई एक्स सी ई पी टी इसका मतलब होता है बजाय या सिवा सिवा इसके सिवा इसके बजाय उसे कुछ नहीं आता और एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट ई एक्स पी ई -e सी टी इसका मतलब होता है आशा करना आशा तो दोनों स्पेलिंग में फर्क है तो आप ध्यान रखना ई एक्स पी ई सी टी और ई एक्स सी ई पी टी दोनों का फ़र्क है मैंने मीनिंग लिख दिया है तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को बाई चांस आपको ये वर्ड लिखने की ज़रूरत पड़े तो ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन तो वो व्यक्ति कहता है बूढ़ा व्यक्ति कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर पाया हूँ कि मैं अपने फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूं तो बाकी लोग जो है उनके पास पक्का घर नहीं है लेकिन ये जो व्यक्ति है कम से कम पूरे जीवन भर काम करके उसने एक घर तो तैयार कर लिया है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इसने प्राप्त किया है हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वाट मे हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम वाट मैन हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम उसको सुन के हमें ताजुब हो सकता है कि उसने एक अचीवमेंट सा प्राप्त किया है जो कि बाकी लोग नहीं कर पाए हैं अपने जीवन में तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कम से कम उसने घर तो बना लिया ही एज ए रूफ ओवर ही हेड कम से कम उसके छत सर पे एक छत तो है तो ये इकलौता व्यक्ति वहाँ पर ऐसा दिखा है जिसने पक्का घर बना लिया है और उसके सर पे छत है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ई ईट रिंग्स इन एवरी होम क्राई यानी रोना धोना किस चीज़ का रोना धोना पैसे नहीं होने का रोना धोना ये जो है और उसके अलावा खाने के लिए काफ़ी कुछ नहीं है ये रोना धोना हर घर में इसका मतलब आपको सुनने को मिल सकता है एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं सो so, वो क्या कर, कहते हैं दैट क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिज़नेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इस वजह से मैं हम बैंगल की फैक्ट्री में काम करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं तो पैसों की कमी भी एक कारण बताते हैं ये कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम शायद कुछ और बिजनेस कर लेते तो लेकिन नहीं है हमारे पास पैसा तो हम सिर्फ बेंगल मेकिंग में ही काम कर पाते हैं यही बिज़नेस के नाम पे भी बेंगल मेकिंग ही कर पाते हैं और हालात ऐसे हैं तब भी नॉट इवन इनफ टू ईट इनफ यानी काफ़ी तो इनके पास का काफ़ी मात्रा में खाना भी नहीं है कि वह खा सकें रिंग्स इन एवरी होम ये रिंग्स जुड़ेगा उसके साथ क्राई के साथ दैट द क्राई रिंग्स इन एवरी होम तो ये रोना धोना हर घर में चलता है तो यही बातें हैं यही शिकायतें आपको हर घर में फ़िरोजाबाद में मिलेंगी यंग मैन ई द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स लेमेंट यानी दुख एल ए एम ई एन टी लेमेंट इसका अर्थ है दुख सो यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स तो जो बड़े लोग हैं जिन उनको जो दुख है वो का वही दुख ये भी दोहराते हैं ईको का मतलब होता है गूंज के लौट के आना वही बात तो वही बात जो बाकी जो जवान आदमी हैं वो भी अपने बड़े उम्र से जो बड़े लोग हैं उनकी बातें दोहराते हैं यानी कि वही दुखड़ा वो भी रोते हैं लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ तो ऐसे लगता है कि फिरोजाबाद में बहुत कम हलचल हुई है यानी कि बहुत कम चेंज आया है लेमेंट का अर्थ है दुख एल एम ई एन टी लेमेंट इसका अर्थ दुख है मैं बता देता हूँ उसके बाद भी आप पूछते हो क्या चक्कर है मैं मुझे ये समझ में नहीं आता सो so, द यंग मैन echo द लेमेंट ऑफ their elders, जो जवान व्यक्ति है वो बड़ों की बड़ों का जो दुखड़ा है वो ही दोहराते हैं वही दुख उनको भी है सो दे हैव नथिंग एल्स टू से लिटिल हैज़ moved विथ टाइम समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है मुँह का अर्थ यहाँ पर हिलना नहीं है बदलाव होना है इट सीम्स इन फिरोजाबाद तो ऐसा लगता है जैसे फिरोजाबाद में बहुत कम बदलाव हुआ है हालात लगभग वैसे के वैसे ही हैं Years ऑफ माइंड नमिंग टॉयल नमिंग यानी कि नम कर देना आपका हाथ जैसे जैसे मान लो हाथ सूना पड़ जाता है तो वही बात है कि माइंड नमिंग टॉयल टॉयल यानी मेहनत टी ओ आई एल टॉयल टॉयल का अर्थ मेहनत है तो मेहनत करके इनका जो माइंड है वो भी सूना हो गया है और इस वजह से क्या हुआ हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम तो ये ड्रीम भी नहीं कर पाते हैं इनकी जो सपने देखने की क्षमता है और नए कदम उठाने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो गया है इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई नया कदम नया स्टेप न्यू स्टेप तो ये या नया निर्णय तो ये अपने जीवन में नया निर्णय ले ही नहीं पाते हैं और सपने देख ही नहीं पाते हैं इनकी क्षमता जो है सपने देखने की वो ख़त्म हो गई है वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व इन टू ए कोऑपरेटिव तो ये सब परेशान, परेशानियाँ सुनने के बाद जंग कहती है तुम एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते हो अपने आप को यानी कि अपना एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते हो आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इंटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन नाउ दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their families and fathers and forefathers तो ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको आप ढंग से समझ लें तो ये जब पूछती है उन लोगों से कि तुम अपने एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते हो और ये किन से पूछती है ऐसे लोगों से पूछती है जो कि एक विशेष सर्कल में फंस गए हैं तो एक तरीके से चक्रव्यूह है हुए विशेष सर्कल यानि खतरनाक और सर्किल यानी चक्रव्यूह विशेष सर्किल खतरनाक चक्रव्यूह तो एक खतरनाक चक, चक्र चक्रव्यूह में फंस गए हैं और ये चक्रव्यूह किसके द्वारा रचा गया है मिडल मैन यानी बिचौलिए तो बिचौलिए जो है उन्होंने एक इनके लिए विशेष सर्किल तैयार कर दिया है और क्या किया है उन्होंने ट्रैप कर लिया इनको टी आर ए डबल पी ई डी यानी कि उन्होंने जाल में फंसा लिया है इन लोगों को इनके पिताजी को और इनके पिताजी के पिताजी को फोर फादर्स यानी कि पूर्वजों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिचौली है वो इन सबको फंसाते हुए आए हैं एक चक्रव्यूह में और चक्रव्यूह काफ़ी खतरनाक है वो इसको अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाल पाते हैं अब कारण बता रहे हैं वो कि वो क्यों नहीं बनाते हैं कोऑपरेटिव यानी कि यूनियन क्यों नहीं बनाते हैं अगली लाइन में वो बता रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप एच ए यू एल ई डी हाउल्ड अप मीन्स पुल्ड अप खींच लिया जाएगा ओके हाउल्ड अप मीन्स एच ए यू एल ई डी मीन्स अप खींच लिया जाएगा तो कहता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी कर लें ऑर्गेनाइज यानी इकट्ठे हो जाएं। अगर हम इकट्ठे भी हो जाएं, तो हमें खींच के ले जाया जाएगा किसके द्वारा बाय द पुलिस पुलिस हमको खींच के ले जाएगी और क्या करेगी बीटन एंड ड्रैक्ट हमें पीटा जाएगा हमको घसीटा जाएगा बीटन यानी पीटा गया और ड्रैग यानी घसीटा गया या घसीटा जाना तो हमें पीटा जाएगा हमें घसीटा जाएगा कहाँ टू जेल जेल ले जाया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल जैसे कि हमने कोई गैरकानूनी काम किया हो यानी कि अगर ये ऑर्गेनाइज करते हैं एक ग्रुप बनाते हैं और यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठा सकें जो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होते हैं तो इनमें से जो लीडर बनने की कोशिश करता है उसको पुलिस के द्वारा इल्जाम लगा दिए जाते हैं झूठे और जेल में बंद कर दिया जाता है कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसने ये इल्लीगल काम किया है ऐसा कह के इनको जेल में डाल दिया जाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे आर नॉट एट ऑल एबल टू यूनाइट देम सेल्व इन टू ए यूनियन देर इज़ नो लीडर अमंग दैम इनके बीच में कोई लीडर है ही नहीं नो वन हु कोड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इनको चीजें अलग से देखने के लिए प्रेरित करे तो इनको प्रेरित करे ऐसा कोई भी नहीं है देर इज नो वन यस नो लीडर अमोंग दैम नो वन हु कोड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली यानी अलग नज़रिया रखने के लिए कोई इनको प्रेरित नहीं कर पाता है दे फादर्स आर टायर्ड एज दे आर तो जैसे ये थके हुए हैं जवान लोग वैसे ही उनके पिताजी भी थके हुए हैं यानी कि वो थक गए हैं लड़ लड़ के अपने जीवन से दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल देट मूव्स फ्राम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस तो एंडलेसली वो बात करते हैं यानी कि अनंत है इनकी जो शिकायतें हैं उसका कोई अंत ही नहीं होता और एक स्पाइरल की तरह है स्पाइरल गोल गोल घूमता रहता है यानी कि घूम के हम फिर से उसी जगह आ जाएंगे यानी कि वही शिकायतें इनकी फिर शुरू हो जाती हैं और ये स्पाइरल कैसा है ये सर्कुलर मोशन किस चीज़ का है फ्रॉम पॉवर्टी पॉवर्टी यानी गरीबी टू एपैथी एपैथी का मतलब होता है कि कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करे तो उसको एपैथी करते हैं कहते हैं तो समाज जो है एपैथी रखता है इनके प्रति यानी कि इनके प्रति दया भाव की कमी है सो so, ए एपैथी का अर्थ है दया भाव की कमी होना सो दिस इज़ वॉट एक्चुअली गोज़ ऑन इन देयर लाइफ तो गरीबी आ जाती है उनके जीवन में और कोई उनके तरफ ध्यान नहीं देता कोई उनके किसी को कुछ परवाह ही नहीं है उनके हालात चाहे जैसे भी हों उनके फ़र्क नहीं पड़ता एपैथी रखते हैं टू ग्रीड और लालच से भरा हुआ होता है औरों का जीवन यानी कि जो बिचौलिए हैं या जो मालिक हैं उनकी ग्रीड ख़त्म नहीं होती है लालच ख़त्म नहीं होता एंड टू इनजस्टिस और इनके साथ अन्याय होते रहता है इनको जीवन भर अन्याय सहना पड़ता है ये बारह बारह घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं लेकिन इतना नहीं कमा पाते कि ये एक वक्त का खाना भी पेट भर के खा पाएं इनके सर पे छत नहीं होती है ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और ये तो हालात तब है जब ये अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं काम में यानी कि घर का हर सदस्य काम कर रहा है उसके बावजूद इनको पेट भर खाना खाने को नहीं मिल पाता है ऐसे बुरे हालात हैं लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स तो अब जो अनी जंग है वो कहती है इनकी जब बातें सुनती हूँ तो मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखती है वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ़ पॉवर्टी तो एक वर्ल्ड तो क्या है ऐसा है जो कि फंसा हुआ है किसमें? वेब ऑफ पॉवर्टी वेब यानी जाला वेब का अर्थ है जाला तो गरीबी के जाले में वो कैद है फंस गए हैं जाले से जिस प्रकार कोई कीड़ा अपने आप को जल्दी से छुड़ा नहीं पाता है ठीक उसी प्रकार से ये जो परिवार हैं अपने आप को इस गरीबी रूपी जाले से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते हैं बर्ड एंड बाय द स्टिकमा ऑफ कास्ट स्टिकमा का मतलब होता है शर्म महसूस करना और इन पर बोझ है किस बात का बोझ है ये अपनी जाति ये बेंगल मेकर्स हैं तो जाति इनकी बेंगल मेकर्स बताई गई हैं यहाँ पे इनको अपनी जाति से भी शर्म आती है इन विच दे आर बॉर्न जिसमें कि वो पैदा हुए हैं यानी जिस जाति में इनका जन्म हुआ है इसे वो भी बोझ लगती है इनको लगता है कि हम चूँकि बैंगल मेकिंग परिवार में पैदा हुए हैं तो हम कुछ और कर भी नहीं सकते इसके अलावा द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ़ साहूकार और उसके अलावा क्या है विशेष सर्कल है खतरनाक चक्रव्यूह है इस खतरनाक चक्रव्यूह से भी ये अपने आप को बाहर नहीं कर पाते हैं और ये चक्रव्यूह किसने बनाया है ये बना है साहूकार ने ये लाइन इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि किन किन लोगों की वजह से ये अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते हैं इस बुरी स्थिति में अगर लोगों का पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि साहूकार के वजह से मिडलमैन यानी बिचौलिए पुलिस वालों की वजह से एंड द कीपर्स ऑफ लॉ जो कानून की रक्षा करना चाहिए उनके वजह से ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही में जो काम करने वाले लोग हैं यानी सरकारी नौकरी में जो लोग हैं एंड द पॉलिटिशियंस तो ये सब लोग जो हैं ये यूनाइट हो गए हैं इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर के इन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है ऐसा ख़तरनाक चक्रव्यूह, जिससे ये लोग जो गरीब लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते रहते हैं इनका शोषण होता है एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ है शोषण तो आप वो वर्ड नोट करना चाहो तो नोट कर लो एक्सप्लॉयटेशन ई एक्स पी एल ओ आई टी ए टी आई ओ एन इसका अर्थ होता है शोषण मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है तो कौन सा श आएगा वो आप देख लेना बाकी शोषण आपने काफ़ी सुन रखा होगा सो एक्सप्लाइटेशन इसका अर्थ है शोषण तो इन लोगों का शोषण किया जाता है बाकी इन सब लोगों के द्वारा मिडल मैन के द्वारा पुलिस मैन कीपर्स ऑफ लॉ ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस साहूकार ये सब मिल जाते हैं और इनका शोषण करते हैं और इन्हें इसी चक्रव्यूह में अटका के रखते हैं इसे बाहर नहीं निकलने देते अगर ये यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए या कुछ डिमांड रखने चाहते हैं तो इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है टुगेदर हैव इम्पोज इम्पोज का मतलब लाद दिया आई एम पी ओ एस ई डी इम्पोस्ट यानी लाद दिया क्या लाद दिया द बैगेज सो टुगेदर हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन तो इन्होंने ऐसा बैग रख दिया यानी कि ऐसा बोझ डाल दिया है बच्चे पर सबने मिल कर के कि वह बच्चा इस बोझ को हटा नहीं सकता बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर तो उसे पता चलता है कि यह बोझ है उससे पहले ही वह इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है आदि हो जाता है पता चलने से पहले ही अगर आपने देखा होगा घर में पालतू जानवर रखते हैं आप गाय या भैंस रखते हो तो उसको बांध के रखो तो उसको आदत पड़ जाती है वहीं पर रहने की फिर अगर आप कई अधिकतर जो गाय या भैंस है उसको आप खोल दोगे तो भी वो वहां से बाहर नहीं जाएगी उस जगह से नहीं हटेगी वो वहीं पर खड़े रहते हैं तो वही हालात हो गए इनके कि ये आदि इतने हो गए हैं कि जब इनको पता चलता है बोझ तले दबे हुए हैं लेकिन तब तक आदि इतने हो चुके होते हैं कि अपने आप को इस चीज़ से आज़ाद भी नहीं कर पाते हैं टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेर और अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो हिम्मत दिखा रहे हैं और उनकी हिम्मत तोड़ दी जाएगी जो अमीर लोग हैं जो साहूकार हैं जो पुलिस वाले हैं तो वो उसको कहते हैं अच्छा तो हमको हिम्मत दिखा रहा है क्या और उसे करने नहीं देते तो कुछ और करने की सोचना मतलब हिम्मत दिखाना है एंड डरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप और ऐसे लोगों के बढ़ने के दौरान जब ये वयस्क होते हैं बचपन से लेकर के जवानी तक का इनका जो सफ़र है तब तक अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो उनके हिस्सा नहीं है उनके जीवन का यानी डेयरिंग करना इनके जीवन का हिस्सा नहीं है ये डेयरिंग कर नहीं सकते हिम्मत नहीं दिखा सकते हिम्मत दिखाना इनके जीवन का हिस्सा नहीं है वन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ एट इन मुकेश आई एम चीयड लेकिन जब मुझे एक झलक दिखती है सेंस ए फ्लैश एफ एल एस एच है ध्यान रखना स्पेलिंग व्हेन आई सेंस ए फ्लैश सेंस ए फ्लैश यानी कि एक झलक देखना तो ये राइटर कहती है जब मुझे इसी चीज़ की इसी हिम्मत की जब झलक मुकेश में दिखती है आई एम चीयर्ड सी एच डबल ई आर ई डी चीयर्ड मीन्स हैप्पी खुश तो अनीश जंग खुश होती है अनिश जंग को इस बात की खुशी होती है जब उसे मुकेश में इसी चीज़ की इसी हिम्मत की एक झलक दिखती है आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स वह फिर से रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न वह किसी गैराज में जाएगा और सीख लेगा काम बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्राम हिज होम लेकिन गैराज जो है उसके घर से बहुत दूर है तो जब ये चीज़ उसको टोकी जाती है कि तुम्हारे घर से तो काफ़ी दूर है गैराज कैसे करोगे तो वो क्या कहता है आई विल वॉक ही इनसेस तो वो जोर दे के कहता है कि मैं पैदल चल के जाऊँगा डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन तो उसे प्रश्न किया जाता है क्वेश्चन किया जाता है क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो ही इज़ सडनली साइलेंट अचानक से वह चुप हो जाता है खामोश हो जाता है और फिर कहता है नो no. ही से स्टेरिंग एट द ग्राउंड तो ज़मीन पर देख करके वह ना कहता है अब यहाँ पर राइटर ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है इस चीज़ को कि जब उससे पूछा जाता है कि प्लेन उड़ाना चाहोगे क्या तब उसकी निगाहें अनीस जंग से नहीं मिलती है और वह नीचे देखने लगता है जब लेकिन उसे शुरू में पूछा गया था मोटर मैकेनिक के बारे में तब वो आँखों में आँखें डाल के कहता है कि हाँ मैं सीखूँगा मैं चले जाऊँगा पैदल जाके वहाँ पर सीख लूँगा लेकिन जब प्लेन के बारे में पूछा जाता है कि प्लेन उड़ाने का भी तुम्हारा सपना है तो ना जवाब देता है लेकिन ये नीचे धरती पर देखते हुए जवाब देता है यानी कि वो इस धरती से जुड़ा हुआ है वो आसमान में नहीं उड़ता यानी कि ऐसे ख्वाब नहीं देखता है वो जो उसके पहुंच से बाहर हो उसके कदम ज़मीन पर ही हैं यानी वो उतने ही सपने देखता है जितने वो पूरे कर सके मर मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना धीरे धीरे बोलना या हल्के से बोलना तो इसने ये बात बहुत धीरे से बोली थी इन स्मॉल देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इंटू रिग्रेट तो धीरे से उसने जो ना बोला है इसमें एक एम्बेरसमेंट छुपा हुआ है एम्बेसमेंट यानी शर्म एक शर्म छुपी हुई है दैट हैज नॉट येट टर्न इंटू रिग्रेट रिग्रेट आर ई जी आर ई टी रिग्रेट यानी पछतावा तो उसे पछतावा नहीं है हालांकि उसे शर्म आ रही है लेकिन उसे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है ही इज़ कंटेंट सी ओ एन टी ई एन टी कंटेंट यानी संतुष्ट सेटिस्फाइड वो सेटिसफाइड है संतुष्ट है किससे ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ इज ओन टाउन तो वह सिर्फ इस बात से खुश है इस बात से संतुष्ट है ये देख करके कि जो कार उसके स्ट्रीट्स पर घूमती है दौड़ती है हर्टलिंग डाउन यानी दौड़ लगाना जो कारें उसके शहरों में शहर की गलियों में दौड़ लगा रही हैं उनके बारे में ड्रीम करके उनके बारे में सपने ले करके ही वह संतुष्ट है फ्यू एयरप्लेस फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद और फिरोज़ाबाद से के ऊपर से बहुत कम एयरप्लेन उड़ते हैं तो इन लाइंस का भी खास मतलब है कि देखा जाए तो उस बच्चे की पहुंच में कार ज़्यादा है क्यों कारों की गिनती ज़्यादा है और उसके शहर की गलियों से बहुत सारी कारें दौड़ के निकलती है तो वो सपने देखता है कार के मैकेनिक बनने के तो ये रियलिस्टिक है तो ही इज़ ड्रीमिंग इन ए रियलिस्टिक वे वो सिर्फ उतने ही सपने देखता है जो वो पूरे कर सकें और प्लेन उड़ाना उसके बस में नहीं है या उसकी पहुँच से काफ़ी दूर है क्योंकि बहुत कम प्लेन्स उड़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी जाहिर बात है उसे बहुत कम मिलेगी और अपॉर्चुनिटी जिस चीज़ की कम होती है तो वो चीज़ कर पाना भी मुश्किल होता है इस चीज़ का एहसास उसे है सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड इट इज रिटन बाय अनीस जंग एज आई सेड नाउ वी विल रीड अ लिटिल बिट अबाउट द लेसन इस लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं सो so, अनीस जंग वॉज बॉर्न इन वॉट अनीस जंग वॉज बॉर्न इन नाइनटीन सिक्सटी फोर सो अनिस जंग इज़ ए रिनोन्ड इंडियन स्कॉलर एंड पोएट स्कॉलर बोलते हैं स्टूडेंट को तो so रिनोन्ड यानी फेमस एक बहुत फेमस स्कॉलर है स्टूडेंट है और पोएट भी तो so पोएम्स भी कई लिखी हैं इन्होंने शी हैज़ वर्कड एज जर्नलिस्ट एंड एडिटर फॉर मेजर न्यूज पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड इन इन्होंने इसके अलावा लेख लिखने के अलावा इन्होंने जर्नलिज्म भी कर रखा है तो ये जर्नलिस्ट बनी है और एडिटर भी बनी है न्यूज़पेपर्स के लिए कहाँ पर ना सिर्फ भारत में बल्कि अब्रॉड भी विदेशों में भी शी इज नोटेड स्पेशली फॉर हर लाइवली एंड vivid descriptions. तो जीवंत चित्र का उदाहरण ये प्रस्तुत करती है जो हालात हमारे समाज में हैं उसको वो दर्शाती हैं तो उसका लाइवली पिक्चर सा बन जाता है एक इमेज सी बन जाती है हमारे सामने आँखों के सामने जब भी ये उन गरीब बच्चों की बात करती है जिक्र करती है तो एक पिक्चर सी हमारे सामने उभर के आ जाती है आँखों के सामने उन बच्चों की कि कैसे वो बच्चे हैं कैसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऐसे सीन हमने अपने समाज में बहुत देखे हैं ऐसे बच्चों को काम करते हुए देखा है कचरा बिनते हुए देखा है और इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो विविड है मतलब उसमें वेराइटी है तो इनके लेखों में आपको वैरायटी मिलेगी इन लॉ स्प्रिंग अनिस जंग डिपिक्स मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ द फैमिलीज़ तो डिपिक्स मीन्स शोज डी ई पी आई सी टी एस और मिज़रेबल का मतलब है दुखी तो so, ये जो अनी जंग ने लॉ स्प्रिंग लिखा है इसमें इसने जो मिज़रेबल uh, कंडीशन दुख से भरी हुई इनकी जो कंडीशन uh, हमारे सामने रखी है और अफसोसनाक डिप्लोरेबल यानी अफसोसनाक कंडीशन जो हमारे सामने रखी है किस बारे में ऑफ द फैमिलीज़ दैट लीड ए लाइफ ऑफ़ डेप्रिवेशन डेप्रीवेशन का मतलब है कमी इनके जीवन में कमी ही तो कमी है खाने की कमी है अच्छे कपड़ों की कमी है हेल्थ स्टैंडर्ड्स की कमी है एजुकेशन की कमी है तो ऐसी फैमिलीज़ के बारे में वो लिखती हैं स्थितियों के बारे में लिखती है उनके जिनके जीवन में कमियां ही कमियां हैं और ये कैसे माहौल में रहते हैं इन द विशियस सर्कल ऑफ़ एक्सप्लॉयटेशन और ये ख़तरनाक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं एक्सप्लॉटेशन जैसे मैंने कहा था पहले शोषण तो इनको शोषित किया जाता है और क्यों ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन इनका शोषण सिर्फ दो वजह से होता है एक तो ये गरीब हैं और दूसरा इनमें एजुकेशन की कमी है ये शिक्षित नहीं है शिक्षित नहीं है इसलिए अपने अधिकारों को नहीं जानते दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स दैट दे हैव उनको अपने राइट्स का पता नहीं है अपने अधिकारों का पता नहीं है तो पहली बात तो ये गरीब हैं और एजुकेशन नहीं है यानी इलिटरेट हैं इलिटरेट हैं तो ये अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते और इसीलिए इनका शोषण किया जाता है शी फोकसिस ऑन द चिल्ड्रन हु आर डूइंग मीनियल मीनियल यानी छोटे मोटे एम ई एन आई ए एल मीनियल यानी छोटे मोटे काम यानी ऐसे काम जिसको हम हीन भावना से देखते हैं इतने छोटे काम है ये तो कचरा बिना हीन भावना ही पैदा करता है तो ये बहुत छोटा काम है तो शी फोकस ऑन द चिल्ड्रन आर डूइंग मीनियल एंड हेज़रडस टास्क और दूसरा अगर आप देखोगे हेज़रडस का मतलब होता है ख़तरनाक टास्क का मतलब है वर्क काम तो दो तरीके के बच्चों को दिखाया गया है एक तो मीनियल वर्क करने वाले यानी कचरा बिनने वाले साहिब आलम को दिखाया गया है और हेज़रडस टास्क करने वाले यानी ख़तरनाक काम करने वाले मुकेश को भी दिखाया गया है और ये क्यों काम करते हैं टू तो सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज़ अपने परिवार की इनकम यानी कि कमाई उसको और सहारा देने के लिए उसमें थोड़ा और एडिशन करने के लिए सप्लीमेंट टू एड टू सप्लीमेंट मीन्स टू एड तो ये ऐड करना चाहते हैं क्या चाहते हैं अपनी फैमिलीज की इनकम में थोड़ा और योगदान देना चाहते हैं मोस्ट ऑफ दैम सकम टू वेरियस डिजीजेस बिफोर अटेनिंग देर यूथ अटेनिंग यानी प्राप्त करना प्राप्त करना सकम यानि हार मान लेना मोस्ट ऑफ दैम सकम टू वेरियस डिजीजेज तो ये बहुत सारी बीमारियों के आगे अलग अलग बीमारियों के वेरियस यानी डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस अलग अलग प्रकार की बीमारियों के आगे ये हार मान लेते हैं और कब जवानी प्राप्त करने से पहले यानी जवान होने से पहले ही इनके हालात आप इसमें बताया गया जैसे कि आंखों की रोशनी चली जाती है तो ऐसे हालात इनके हो जाते हैं सो आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स यू विल सॉल्व इट योर सेल्व ओनली आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर ई चैप्टर आई विल टेक दैम रैंडमली इफ़ देर इज़ सम टाइम लेफ़्ट when we are taking some chapter, so you will practice the question answers yourself. I have marked you the important lines or the important portions I have specified to you. मैंने खास तौर पे आपको बता दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है जिस पे आपको इस पार्ट में फोकस करना है वो साथ के साथ बताते रहा हूँ मैं आप एक बार चाहिए तो और लेक्चर सुन सकते हैं इसको और देख सकते हैं confirm कर सकते हैं एंड मेक श्योर दैट यू also रीड दिस It gives a lot of information about the chapter. You will find good words that you can use in your answers. These words will help you earn more marks. So, this will help you So, I hope uh, this you have understood well the instructions. And we will meet tomorrow with a new topic or new chapter from the second book. Be ready with your second book, Panorama. We will be taking the first chapter from it, the Tiger King tomorrow. So, okay, bye everybody. जय हिंद जय राजधानी